धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से मैं एक दिल को दहलाने वाला जो विषय है वो उठाना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से एक नौसेना के अफसर सूरज कुमार जी, जो झारखंड से थे और INS अधीक्षक में ये काम करते थे, अग्रणी में कोयम्बटूर में, उनको उठाकर ले जाया गया और 10-20 लाख रुपए की फिरौती को लेकर उनको जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। पालघर के वही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इससे पूर्व में 2 साधुओं की भी हत्या की गई थी। ऐसे समय पर महाराष्ट्र में जिस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है और एक भाजपा के कार्यकर्ता को साड़ी पहनाकर, कंगन पहनाकर पूरे बाजार में बेइज्जत करके घुमाया गया, मुझे हैरानी है कि जब इस तरीके की कानून व्यवस्था चल रही है और ऐसे घृणित मामले सामने आ रहे हैं, अगर राज्य सरकार का कोई लेन देन नहीं है तो इसको CBI को सौंप देना चाहिए। पर सच तो ये है कि महाराष्ट्र सरकार एक द्वेष के भाव से काम कर रही है। खास तौर पे 2 बड़े इस देश के जो हीरो हैं, जिन्होंने देश के पक्ष में ट्वीट किया, उन तक को जो है दबाने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार उसकी जांच कर रही है, लेकिन बाकी विषयों की जो जांच करने वाले विषय हैं उसकी जांच नहीं कर रही। ऐसे में मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को चेताना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि आप भारत का अंग हैं और भारत के अंग में जो भारत विरोधी ताकतें, उनके साथ खड़े हुए दिखाई ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।